अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अफोर्डेबल विंटर स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ आई हूँ जो आप इजीली बाय कर सकते हैं, और मेरी यूज़ की भी सारी चीज़ें हैं। आपको स्किन टाइप भी मैं बताऊँगी सब कुछ। तो सबसे पहले हम फेस वॉश की तरफ आ जाते हैं। तो ये गार्नियर का मिसलर वाटर है, 260 रुपीज़ का ये है, छोटी बोतल, लेकिन यकीन करें बहुत अच्छा है। मेकअप इजीली आपका साफ़ हो जाता है और विंटर्स में इतना नीड नहीं होती मॉर्निंग में फेस को वॉश करने की। तो आप कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ में रहते हैं ना जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से कॉटन पैड पे लेके, और इससे अपना फेस क्लीन कर लें, डर्ट वगैरह सब साफ़ हो जाती है। दूसरा ये है पॉन्ड्स का फेस वॉश, ये 380 रुपीज़ का है, बहुत ज़बरदस्त है। एक्टिवेट चारकोल है इसमें और बहुत अच्छा काम करता है। मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से फेस को क्लींस कर देता है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता, आपके स्किन को नॉर्मल ही रखता है। उसके बाद आप कोई सा भी टोनर कुछ भी लगा सकते हैं और इजीली आप बाय कर सकते हैं, अफोर्डेबल है। बहुत महंगे महंगे जो नहीं लेना चाहते फेस वॉश, वो ये ले लें। अच्छा, तीसरा ये फेस वॉश है जैन फार्म का, ये 898 रुपीज़ का है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ये ले ले। ये इंस्टेंट ब्राइट करता है स्किन को, बहुत अच्छा फेस वॉश है ये भी। मैं ये वाला भी यूज़ कर रही हूँ, ये 2-3 दिन ही हुए हैं मुझे मंगवाए हुए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मुझे नज़र आए हैं। अब अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर इसको बाय करिएगा, 1000 के अंदर आपको मिल जाएगा। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। एक चौथा जो है जेंसाय का फेस वॉश है, वो भी बहुत अच्छा है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, 495 का आता है, आपकी स्किन को स्क्रब भी कर देता है साथ साथ, बहुत ज़बरदस्त है। और जहाँ पे टोनर की बात आती है तो 120 रुपीज़ का रोज़ वाटर बेहतरीन टोनर है, ये सईद गनी का टोनर है, और मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है। मैं कोई भी टोनर नहीं ख़रीदती, महंगे से महंगा हो या सस्ते से सस्ता, रोज़ वाटर बेस्ट है हमारे लिए। तो पाकिस्तान में तो सईद गनी का बहुत अच्छा होता है और मरहबा वालों का भी बहुत अच्छा होता है। बॉटल स्प्रे की बॉटल आती है ये, इंडिया में शायद गुलाब जल के नाम से, किसी और नाम से मिल जाएगा। तो बस फेस वॉश करने के बाद आपने 2-3 पंप अपने फेस पे करने, ये मेरा ख़त्म हो चुका है, मुझे और मंगवाना है। तो बस 2-3 पंप आप करें, उसके बाद आप सीरम यूज़ करें। आप सीरम की बात आती है तो यहाँ पे ये इतने सारे मैं सीरम आपको बता रही हूँ जो मैंने यूज़ भी किए हुए हैं और कुछ यूज़ कर भी रही हूँ। सबसे पहले डॉक्टर रशील का है, ये 600 रुपीज़ का है। ये मैंने पूरी डील मंगवाई थी जिसमें डे क्रीम, सीरम और नाइट क्रीम तीनों चीज़ें थी, लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे लगा है ना, इसकी डे क्रीम लगी थी जिसमें सन ब्लॉक भी था, और ये भी अच्छा है। ये हर किसी की स्किन पे बस सूट नहीं करता ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किन पे सूट नहीं कर रहा। वाटर बेस है वो, और ये हिप रोज ऑयल है, ये 300 रुपीज़ का है। ये ऑयल बेस है लेकिन ऐसा ऑयली नहीं है कि ग्रीसी कर दे, आप 1 या 2 ड्रॉप अपने लें, विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये मॉइस्चराइजर, एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ हो सकता है आपके लिए। ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, जज्ब हो जाएगा थोड़ा सा ही रब करने में, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनको ख़त्म कर देता है। अच्छा, तीसरा ऑर्गेनिक ट्रेवल वालों का ये विटामिन सी सीरम मैंने मंगवाया था, ये 1500 रुपीज़ का था विद डिलीवरी। तो ये ऑनलाइन ही मंगवाया था, ये पूरा मैंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसका ये हुआ कि इससे मेरा कलर थोड़ा डिम मुझे लगा, बाकी मेरे जो डार्क स्पॉट्स थे, फाइन लाइंस थी, जो निशानात थे चेहरे पे, वो इसने किसी हद तक ख़त्म कर दिए थे। मतलब ये आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह तो ख़त्म कर देगा, लेकिन हो सकता है आपका स्किन ज़्यादा ब्राइट हो, मेरा इतना ब्राइट नहीं है तो मुझे अपनी स्किन पे थोड़ा सा डार्कनेस लगी। और एक ये बायो एक्वा का राइस सीरम है, बहुत ज़बरदस्त है, ये 263 रुपीज़ का है, और ये ऐसा होता है थोड़ा सा थिक सा होता है ये। आप इसको फेस वॉश करने के बाद जब टोनर लगाएंगे, टोनर के बाद जब वो ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने सिर्फ 1 ड्रॉप लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, और उस फेस पे आपने लगाना है तब जब आपका फेस हल्का सा नम हो, बिल्कुल ड्राई फेस पे मत लगाइएगा वरना बहुत ड्राई ड्राई हो जाएगा। और इसको हल्के से जस्ट कर लें आप। ये राइस सीरम है तो इसकी क्या ही बात है, आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको श्रिंक कर देता है, फाइन लाइंस को ख़त्म कर देता है,
और स्किन को ब्राइट भी करता है। ये बहुत ज़बरदस्त मुझे सीरम लगा था बायो एक्वा का, वो भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और ये भी मैंने ट्रैवल वालों का, ऑर्गेनिक ट्रैवल वालों का सीरम मंगवाया था। ये भी इसी तरह की इसकी थिकनेस है। ये 1300 रुपीज़ का मुझे मिला था विद डीसी, और ये मिनिमाइज़ कर देता है पोर्स को, ब्राइटन कर देता है आपकी स्किन को, और जो फाइन लाइंस होती हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनको भी ख़त्म कर देता है। आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ, वाकई इसके रिज़ल्ट मुझे बेहतरीन लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। अगर किसी को आपके पोर्स ओपन हुए हुए हैं तो आप यूज़ करें, लेकिन इसको भी ऐसे ही नम फेस पे आपने लगाना है, सिर्फ एक ड्रॉप, ज़्यादा नहीं लेना, वरना ये चिपचिपा सा, एक चिपचिप सा फील होता है। तो बिल्कुल एक ही ड्रॉप आपने लेके लगा लेना है, पूरे फेस पे आराम से लग जाएगा। ये देखें जज्ब हो गया है, बहुत अच्छा है सीरम। फिर इसको जज्ब होने के बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर आपने लगाना है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र में सबसे पहले तो नेविया का नाम आ जाता है। 120 रुपीज़ की इतनी सी है ये छोटी सी बॉटल, बॉटल नहीं कंटेनर कहेंगे, और बहुत ज़बरदस्त है। मुझे तो सिर्फ नेविया ही अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे विंटर्स में तो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ कर देता है। अच्छा, ये हिप रोज ऑयल भी मॉइस्चर एज अ मॉइस्चराइज़र काम कर सकता है, तो आप इसको सीरम भी यूज़ कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। और तीसरा ये है, ये मुझे जेन फार्म का ही मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र, बहुत ज़बरदस्त है। ये 1000 रुपीज़ का पड़ा है विद डीसी, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है ये, और बेहतरीन है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकता है वो ये भी ले ले, और आप यूज़ करके बताइएगा ज़रूर मुझे कि आप लोगों को कैसे लगे हैं ये प्रोडक्ट। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, हो सकता है किसी और के काम आ जाए। और अगर किसी और चीज़ पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक फेस वॉश और ये जेन फॉर्म का मैंने दोनों चीज़ें मंगवाई थी, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उसका मॉइस्चराइज़र है। एक ये लैब ऑन का मैंने मंगवाया है, ये 200 से 300 तक का ये पड़ा है मुझे। ये काफ़ी थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा थिक है ये, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो आराम से ये यूज़ कर सकते हैं, फेस पे भी, हैंड्स पे भी और बॉडी पे भी। है बहुत अच्छा, मतलब अच्छी कर देता है स्किन, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीसी टाइप अच्छी चीज़ें नहीं लगती, मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो थोड़ी जज्ब हो जाएं, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा ड्राई जिसकी स्किन है वो यूज़ कर सकते हैं इसे, अफोर्डेबल है सबसे बड़ी बात। अच्छा, अब बात आ जाती है सन ब्लॉक की। मॉइस्चराइज़र के बाद हमें सन ब्लॉक लगाना है, ये भी मैंने लैब ऑन का ही लिया है, ये भी 200 से 300 तक का है। तो इसको बस थोड़ा सा लगाना होता है, वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, ये कोई टिंट विंट नहीं है इसमें, ये जज्ब हो जाता है और पता भी नहीं चलता आपकी स्किन पे। तो विंटर्स में ये बेहतरीन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समर में नहीं यूज़ होगा, समर में मुझे थोड़े इसमें पसीने आ रहे हैं, क्योंकि कराची में आपको पता है कि अभी तक गर्मियाँ ही चल रही हैं। और दूसरा रिवाज का आप सनब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, 335 रुपीज़ का है, अफोर्डेबल है, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी पिक्चर मैं ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास नहीं था तो मैंने पिक्चर ऐड कर दी। फिर आ जाती है बात बॉडी लोशन की। जाहिर सी बात है, जब फेस को हम क्लेंस कर मॉइस्चराइज रखेंगे तो बॉडी को भी रखना है, बॉडी भी ड्राई हो जाती है। तो ये मॉइस्चराइज़र हैं कुछ, ये मुझे गिफ्ट मिला था दुबई से, गोल्डन सनफ्लावर का है ये, बहुत ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छी तरीके से आपके बॉडी को मॉइस्चराइज़ कर देता है। इसके प्राइस मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़ाहिर है ये मुझे गिफ्ट मिला था, हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो, लेकिन एक इसके अलावा जो अफोर्डेबल है वो नेविया का बेस्ट बॉडी लोशन है। आप नेविया का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक बटर वाला भी एक वो आता है फ्लेवर, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और एक नेविया का सिंपल बॉडी लोशन भी आता है कोको बटर वाला, बहुत अच्छे हैं। आप वो अफोर्डेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये भी बहुत अच्छे हैं, ये विक्टोरिया सीक्रेट का है, ये भी मुझे गिफ्ट में आया था स्वीडन से। ये वाटर बेस से थोड़ा बहुत ऑयली सा, मतलब विंटर के लिए नहीं है, या आप वैसे ही नॉर्मली समर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा फेस हो जाता है।
और बॉडी हो जाती है। ये देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ किस तरीके से इसका टेक्सचर है, कैसे आपने यूज़ करना है। बस ये फ़ौरन ही जज्ब हो जाएगा। अभी तो खैर थोड़ा ज़्यादा निकल गया ये। और इसके अलावा जो है ये लैब ऑन का ही जो मैंने मॉइस्चराइज़र आपको दिखाया था, ये आप बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है बॉडी के लिए भी और फेस के लिए भी। ये जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है तो वो आप ये यूज़ करें, लेकिन मैं ज़्यादातर मेरा ये होता है कि मैं घर में ही चीज़ें कुछ बनाती हूँ रेमेडी और वो यूज़ करती हूँ। ये गिफ्ट में मिली थी तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।